ऋषिकेश जुड़े हैं मेरे साथ जुलाना से, जो कि विनेश फोगाट की सीट है। पहले चलिए ऋषिकेश के पास ही चलते हैं। ऋषिकेश बताइए, विनेश की सीट पर मतदाता क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? ऋषिकेश बिल्कुल मानक जी, देखिए मैं इसलिए आपको आपके शो के लिए ये प्रोग्राम में खोज के रखा था। देखिए ये जो चंक है वो कांग्रेस समर्थित है और उसके ठीक पीछे बगल में जो ओबीसी जो कहा जा रहा है, जाट और गैर जाट की राजनीति है। तो ये बताइए इस बार का जो चुनाव है जुलाना में वो किस मुद्दों पर है? तो कुछ मिनटों का वक्त रहा है। मुद्दे हैं जी बहन बेटी की सुरक्षा, मुद्दे हैं किसानों के, मुद्दे हैं बेरोजगारों के, मुद्दे हैं हकीकत के, और जुमलों के मुद्दे नहीं है। जो जुमलेबाजी हुई थी, जो जोकर वहां बैठा हुआ है, जो जुमलेबाजी छोड़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी बचाई तो कहां। ऋषिकेश इनसे कहिए थोड़ी मर्यादा रखें, अपनी राय रख सकते हैं लेकिन मर्यादा रखें। अच्छा बताइए सर, इस बार का क्या मुद्दे है? इस बार का ये मुद्दा है जी, इसने महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, नौजवानों की ब्रेन में टिक रही है, नौकरी नहीं, बेरोजगारी कर दी। अरे मुद्दा वोट देने का तो ये इसे सारा जुलाना हल्के नहीं, सारा भारत की बेटे। इस बार ये जात पात पर वोट हो रहा है या फिर कोई गारंटियों पर वोट हो रहा है जुलाना में? कोई गारंटी नहीं, बीजेपी की सारे डुंगलेबाजी है, को सब झूठ झूठ इतनी पहले हैं बहुत ज्यादा। ये एजेंट भी है ना बीजेपी ने खरीद का बना रखे हैं। जो एमपी का चुनाव था ना, एमपी बनाए थे अपने लोकसभा के, उसमें भी एजेंट 3,000-3,000 रुपया हम खरीदे हैं। आप बता रहे हो कि 2,500 की लीड है, वो 2,500 की लीड हुआ है, 2,500 रुपया हम आगे भी है, 2,500 रुपया हम बैग थमाले उसने। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए मानक जी, एक तस्वीर तो मैं ये दिखा रहा हूँ जो कि गोलबंदी जो कहा जा रहा है और जो प्रयोगशाला, और दूसरी जो टीम है वो उस तरफ है जहाँ पे दूसरे जो सैनी हैं, ओबीसी हैं, ब्राह्मण हैं, वो टीम है। मैं चूंकि ये लजवाना कला ये गांव है और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो दूसरी टीम है वहाँ भी भीड़ काफ़ी है और ये समझना बेहद ज़रूरी है एग्जिट पोल के लिहाज से, और कम से कम न केवल जुलाना बल्कि हरियाणा की पॉलिटिक्स के लिए भी, कि क्या है वाकई में इस बार जो चुनाव है वो जाट और नॉन जाट पर हो रहा है, विकास एजेंडा है, घोषणा पत्रों पर क्या, गारंटियों पर जो 2,000 है विधवाओं और बुजुर्गों के लिए, 6,000 रुपये हैं, तो क्या उस पर ये चुनाव हो रहा है? तो ये मैं जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों से यहाँ आपको बात करा दूँ। ये जो पूरा भीड़ देख रहे हैं ये ओबीसी सवर्ण ये तमाम लोग हैं। तो भाई साहब ये बताइए किस बार का क्या है यहाँ का माहौल चुनावी मुद्दा? एक तरफ जीतता है योगेश अपना कैप्टन भाई बीजेपी जीतता है एक तरफ, ये गारंटी भाई गारंटी है गति नहीं, गारंटी पर कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी दे रही है, तो जो गोलबंदी है वो किस तरीके की है? यहाँ से बन रही है लिजवाना से, हम गारंटी देते हैं एक तरफा है, बीजेपी एक तरफा है। अच्छा ये सब लोग पूरे समर्थक है, सब लोग बीजेपी से हैं? समर्थन है, सब लोग बीजेपी से हैं। हाँ जी मानक जी, देखिए ये भीड़ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि दो तरह की, चूंकि यहाँ पे 36 बिरादरी है, 6,000 वोट हैं, और यहाँ पे देखिए कि अलग अलग है, सैनी है, ब्राह्मण है, और जो बार बार कहा जा रहा है कि जाट और नॉन जाट, इस बार का क्या मुद्दा है, क्या वोटिंग का पैटर्न रहा आप लोगों के यहाँ? हमारे स्टूडियो से पूछ रहे हैं महाराज जी, शरीफ हमारा कैंडिडेट, शरीफ वोटर, मेन मुद्दा हमारा शराफत का, शरीफ कैंडिडेट, शरीफ सारा वोटर, हमारा मेन हमारा यही मुनाफा है, हम शरीफ हाँ, हमारा कैंडिडेट भी और वोटर भी। बदमाश कौन है? बदमाश तो मैंने क्या बता, जो बोलते हैं कि मैं उछाड़ते हुए बदमाश है, बदमाश किसी हमको आप बताता हूँ मामले तो वोट करने का, मेरा वोट तो मत छकमा हटा दो बीजेपी की। बताओ आप। जीत है जी पूरी योगेश कुमार की, योगेश कैप्टन की जीत है। ये गारंटी कौन भारी है, कांग्रेस की बीजेपी की? बीजेपी की, बीजेपी, बीजेपी। आप लोग बताओ। बढ़िया जीत से, और बढ़िया छोरा है, और बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सौदा कांग्रेस से बढ़िया है, जो करिए ऊंट पड़े करे ने कि तक केमेश्वर फोड़ दिया कि तक केमेश्वर। ऋषिकेश जरा इन लोगों से जो बीजेपी के समर्थक हैं इनसे विनेश फोगाट पर इनकी राय पूछिए जरा, विनेश के बारे में क्या कहते हैं बीजेपी के समर्थक? विनेश फोगाट एक बड़ी खिलाड़ी है, तो उनको लेकर क्या राय है आप लोगों की जो चुनाव लड़ रहे हैं? उसके मेरे वजह ना उसकी भी उम्र या इलेक्शन लड़ने की नहीं थी, और कि मैं अपना खेल का और कि मैं बनाने की थी, अड़ दिया हूँ आएगी अड़ जाऊँ।
यहाँ तो उसकी जमानत जब्त है, जमानत जब्त है, जमानत जब्त। क्या ये बताइए विनेश फोगाट को लेकर आप लोगों की राय क्या है? खिलाड़ी थी, अब पॉलिटिशियन हो गई है। उसने खिलाड़ी के दायरे में रहना चाहिए था, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था। क्या राय है सर आप बताइए विनेश फोगाट को लेकर, विनेश को लेकर चुनाव लड़ रही है वो? ऐसा सर, विनेश फोगाट ने तब तक खिलाड़ी थे, तब तो वो देश की बेटी थी, अब वो कांग्रेस की बेटी होगी। और ये तो फंडिंग उसको ने, तब वहाँ बैठे थे रोड पे, तब से कांग्रेस फंडिंग करी थी, अब कांग्रेस ने उसको कैश कर लिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये सोचा था कि ये सारे हरियाणा को जिता के ले गई, वो फंस गई दोनों आगे। नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। साइलेंट वोटर है, साइलेंट है, बीजेपी के समर्थकों के बीच में बैठे हैं। आप बताइए क्या राय है आपकी, विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, आप फंस गया डाक है, वो गलत फंस गया डाक ने, वो खिलाड़ी रह जाती तो ठीक था, ऐसी फसगी निकल नहीं सकती, कहीं भी नहीं रहेगी वो। ऋषिकेश, ओके ऋषिकेश, ऋषिकेश अब आप एक काम करिए, अब आप कांग्रेस समर्थकों के उस झुंड की तरफ जाइए जो पहले आप गए थे। इतनी देर में संजीव त्रिवेदी के पास जा रहा हूं, क्योंकि विनेश फोगाट पर अभी बीजेपी के समर्थक जो कह रहे थे, इसका जवाब कांग्रेस के सपोर्टर्स से आप जरूर लीजिएगा। आप जाइए, इतने संजीव के पास चलते हैं, इतने संजीव त्रिवेदी। संजीव आप भिवानी में हैं, जरा वहां लोगों से बात करिए, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है, माहौल क्या है?